मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम शूज ऑर्गेनाइजर बैग स्टिच करेंगे जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने शूज ऑर्गेनाइजर बैग स्टिच किया है। देखिए इसको हम इस साइड से ओपन करेंगे। ठीक आएगा। इसमें हमने 6 पॉकेट्स दी हैं। सारी पॉकेट्स में आपने शूज़ है, सैंडल्स हैं, ऐसे आप सेट करते हुए रख सकती हैं। शूज़ और सैंडल्स को इसमें ऐसे सेट करते हुए देखिए इसको यहाँ से ऐसे जिप से लॉक कर दीजिए। और इस बैग को हम देखिए ऐसे हैंडल से कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बैग बहुत यूज़फुल है। अपने सारे शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, इसमें आप ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा शूज़ ऑर्गेनाइजर बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज हम ये शूज़ ऑर्गेनाइजर बैग स्टिच करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। शूज़ ऑर्गेनाइजर बैग बनाने के लिए हमने 12x43 का एक क्विल्टेड पीस लिया है। देखिए हमने क्विल्टेड पीस लिया है। इसमें हमने मेन फैब्रिक फोम और लाइनिंग को लेते हुए हमने क्विल्ट करके देखिए इस क्विल्टेड पीस को रेडी किया है। तो हमें 12x43 का एक क्विल्टेड पीस लेना है। ये हमने 3x47 के 2 क्विल्टेड पीसेस लिए हैं और 10x30 की ये हमने 2 ट्रांसपेरेंट शीट ली है। ठीक है, दोनों साइड में इसमें हमने देखिए पाइपिंग को स्टिच करके रेडी कर लिया है। तो हमें 10x30 की 2 ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है। 24 इंच की ये हमने 2 हैंडल्स लिए हैं। 47 इंच की ये हमने जिप ली है और इसमें हमें डबल रनर लेना है। और 1.5 इंच की ये हमने थोड़ी पाइपिंग ली है। सबसे पहले हम 12x43 का ये क्विल्टेड पीस लेंगे और ये हम हैंडल्स लेंगे। तो इस क्विल्टेड पीस में हम देखिए 12 की साइड में इस साइड से यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे। 6 इंच पे हम सेंटर का मार्क करेंगे और सेंटर के मार्क से हम देखिए 3 इंच इस साइड मार्क करेंगे और इस साइड भी हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इस मार्क वाले पॉइंट से हम 3 इंच पे डाउन करेंगे और ऐसे इस साइड भी 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। और इसमें से हम एक हैंडल लेंगे और इस हैंडल को हम देखिए थोड़ा सा फोल्ड करते हुए मार्क वाले पॉइंट पे देखिए ऐसे सेट करेंगे और स्क्वायर शेप में क्रॉस में स्टिच करके इस साइड से और ऐसे इस साइड से दोनों साइड से स्टिच करके हैंडल को हम इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे ही दूसरे हैंडल को हम दूसरी साइड में इस साइड भी देखिए मार्क करके दूसरे हैंडल को हम इस साइड यहाँ पर अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए हैंडल्स को अटैच कर दिया है। और अब देखिए फ्रेंड, इसकी हम बैक साइड में आएंगे, इस साइड आएंगे और इस साइड से हम यहाँ पर देखिए 6 इंच पे मार्क करेंगे और ऐसे ही इस साइड भी हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इस मार्क वाले पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाते हुए देखिए ऐसे हम सीधे मार्क करेंगे। और अब हम इस पॉइंट से फिर से 6 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड से भी हम इस पॉइंट से 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ऐसे ही इस पॉइंट से फिर से हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड भी 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। और अब देखिए दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है और ऐसे ही हम दूसरी साइड में भी मार्क करेंगे। तो हम पहले यहाँ से 6 इंच पे मार्क करते हुए पॉइंट को मिलाते हुए वैसे ही हम मार्क कर लेंगे दोनों साइड से। इस साइड भी हमने देखिए 6 इंच पे सेट करते हुए मार्क कर लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम 10x30 की ये ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे और ट्रांसपेरेंट शीट पे हमने देखिए दोनों साइड से पाइपिंग को स्टिच कर लिया है और इस साइड से भी हमने पाइपिंग को स्टिच करके रेडी कर लिया है। और इस साइड हमने देखिए पाइपिंग को स्टिच नहीं किया है। तो इस साइड से हम यहाँ पर देखिए ऐसे पाइपिंग के ऊपर सेट करते हुए 10 इंच पे मार्क करेंगे। पाइपिंग के ऊपर हमें देखिए मार्क करना है और ऐसे इस साइड भी 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इस मार्क वाले पॉइंट से हम फिर से 10 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड भी हम इस मार्क वाले पॉइंट से 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से हमने देखिए मार्क कर लिया है।
और अब हम इस वाले पार्ट को जिस साइड से हमने पाइपिंग अटैच नहीं की है उस साइड वाले पार्ट को हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो ये हैंडल ऐसे अंदर की साइड में करेंगे और इस ट्रांसपेरेंट शीट को इस साइड से ऐसे फोल्ड करके इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। और ये जो सेंटर का मार्क है इस सेंटर के मार्क से देखिए मिलाते हुए इस ट्रांसपेरेंट शीट को हम यहाँ पर सेट करेंगे और पिनअप कर लेंगे। ट्रांसपेरेंट शीट में हमने जो मार्क किया है इस पॉइंट को हम इस मार्क वाली लाइन पे देखिए ऐसे सेट करते हुए ऐसे हम यहाँ पर सीधे स्टिच कर लेंगे और ऐसे ही दूसरी मार्क वाले पॉइंट पे जो ये मार्क किया ट्रांसपेरेंट शीट पे इस पॉइंट को हम इस मार्क वाली लाइन पे ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे और इस पार्ट को हम इस मार्क वाली लाइन पे ऐसे सेट करते हुए अटैच कर देंगे। और ऐसे ही हम दूसरी ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे, ये हम दूसरी ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे उसको हम दूसरी साइड से अटैच करेंगे। जैसे हम इस साइड से अटैच करेंगे वैसे ही हम दूसरी साइड से भी अटैच करेंगे। इसमें पहले हम मार्क करेंगे और यहाँ पर सेंटर में सेट करते हुए इसमें भी हम मार्क वाले पॉइंट पे दोनों साइड से हम ट्रांसपेरेंट शीट को अटैच कर देंगे। गुलटेप बीच पे मैंने देखिए दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट शीट को अटैच कर दिया है। देखिए यहाँ से स्टिच किया, इसके बाद मार्क वाले पॉइंट पे देखिए सेट करते हुए ऐसे ऐसे और यहाँ से स्टिच करके थ्री पॉकेट्स हमें देखिए इस साइड से स्टिच कर ली हैं और ऐसे दूसरी साइड से भी हमारी थ्री पॉकेट्स बन ली हैं। और इसमें आप अपने शूज़ को सेट करते हुए रख सकती हैं। देखिए ये शूज़ लेंगे और शूज़ को हम देखिए ऐसे सेट करेंगे और इसमें अंदर में ऐसे हम सारी पॉकेट्स में शूज़ को सेट करते हुए इसमें रख सकते हैं। शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, सारी पॉकेट्स में आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। देखिए दोनों साइड से पॉकेट्स अटैच हो गई हैं। और अब देखिए हम 3x47 के ये दोनों क्विल्टेड पीसेस लेंगे और ये हम 47 इंच की जिप लेंगे। इसमें हमें जिप को अटैच करना है। ये जिप का राइट साइड है और ये क्विल्टेड पीस का राइट साइड है। इसको हम देखिए ऐसे रखेंगे और सीधे स्टिच करके अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे और जिप की दूसरी साइड में हम इस क्विल्टेड पीस को इसमें अटैच कर देंगे। क्विल्टेड पीस पे हमने देखिए जिप को अटैच कर दिया है और अब देखिए हम ये रनर लेंगे और दोनों साइड से इसमें हम रनर डाल देंगे। जिप में हमने देखिए रनर डाल दिया है और अब हम क्विल्टेड पीस को देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। दोनों पार्ट्स को बराबर में सेट करना है और यहाँ पर हमें दोनों साइड से सेंटर का मार्क करना है। इसके हमने दोनों साइड से मार्क कर लिया है और अब हम ये वाला पार्ट लेंगे जिसमें हमने पॉकेट को अटैच किया था। तो इसको भी हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। दोनों पार्ट्स को देखिए ऐसे बराबर में सेट करते हुए इसमें भी हम दोनों साइड से यहाँ पर सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस साइड भी हमने दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लिया है और अब हम ये जिप वाला पार्ट लेंगे। ये जिप वाले पार्ट का राइट साइड है और ये अंदर का इनर साइड है इस पार्ट का। तो ये जो जिप है ये इसमें सेंटर का मार्क है और इस मार्क को सेंटर के मार्क को और जिप को दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए यहाँ पर हम पिन अप करेंगे। और ऐसे इस साइड में ये जो सेंटर का मार्क है इस पॉइंट से जिप को ऐसे सेट करते हुए यहाँ पर भी हम पिन अप कर लेंगे। और इस क्विल्टेड पीस को हम देखिए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टिच करेंगे। इसके बाद इसको ऐसे हम टर्न करते हुए इसे ऐसे ऐसे हम देखिए ऐसे हम देखिए थ्री साइड से इस साइड से और इस साइड से ऐसे टर्न करते हुए दूसरी साइड से भी स्टिच करके हम जिप वाले पार्ट को अटैच कर देंगे और जो स्टिच लाइन है उसे हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। तो हम पाइपिंग को लेते हुए स्टिच करेंगे और दोनों पार्ट्स को अटैच करते हुए स्टिच लाइन को हम पाइपिंग से कवर कर देंगे।
जिप वाले पार्ट को हमने देखिए यहाँ से स्टिच करते हुए ऐसे हमने देखिए इस साइड से और ऐसे इस वाले पार्ट में अटैच कर दिया दोनों साइड से, और स्टिच लाइन को देखिए हमने पाइपिंग से कवर कर दिया है। और अब हमारा ये शूज़ ऑर्गेनाइजर बैग बन के रेडी हो गया है। देखिए इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे और इसमें देखिए थ्री पॉकेट्स हमारे इस साइड से हैं। देखिए थ्री पॉकेट्स हैं, तीनों पॉकेट्स में आपने शूज़ को सेट करते हुए रख सकती हैं, शूज़ है, सैंडल्स है, कुछ भी, तो तीनों पॉकेट्स में इस साइड भी सेट करते हुए सिक्स पॉकेट्स हैं टोटल। इसमें सारी पॉकेट्स में अपने शूज़ को सेट करते हुए इसको देखिए यहाँ से जिप से लॉक कर दीजिए। फ्रेंड्स ये बैग बहुत यूज़फुल है अपने सारे शूज़ को सैंडल्स को इसमें सेट करते हुए, आप इसको देखिए इस हैंडल से कैरी भी कर सकती हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा शूज़ ऑर्गेनाइजर बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।